हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 23 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 11th अक्टूबर 2021। आज की वर्कशीट में भी हम बहुभुज के अंतः कोण, मतलब जो अंदर के कोण होते हैं और जो बाहर के कोण होते हैं, उनके योग के बारे में जानेंगे। देखो, बहुभुज आप सभी को पता है कि क्या होता है। एक ऐसी बंद आकृति जो किससे, रेखाखंड से बनी हो, है ना। अब जब तीन रेखाखंड से बनी होती है तो हम उसे त्रिभुज कहते हैं, चार रेखाखंड से बनी होती है तो हम उसे चतुर्भुज कहते थे, यही था ना। तो आज हम जानेंगे कि जब वो आकृति बनी होती है तो उसके अंदर के जितने भी कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, और उसके बाहर जितने भी कोण बने होते हैं उनका योग कितना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको पूरी एक तालिका बना के दी हुई है जिसमें आपको आकृति बना के दी है। जैसे ये तीन भुजा वाली है, ये चार भुजा वाली है, ये पांच भुजा वाली है, ये छह भुजा वाली है, ठीक है। लिखी है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। अब इसके अंदर तीन कोण होंगे जब ये तीन भुजा वाली है, इसके अंदर चार कोण होंगे जब ये चार भुजा वाली है, इसके अंदर पांच कोण होंगे जब ये पांच भुजा वाली है, और इसके अंदर छह कोण होंगे क्योंकि ये छह भुजा वाली है। तो इसके अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होगा, या फिर चारों कोणों का योग कितना होगा, पांचों का कितना होगा, या फिर छह के छह कोणों का योग कितना होगा, वो आपको बताना है। उसे बोलते हैं अंदर के कोणों का योग, तह कोणों का योग, ठीक है। इसका बहुत आसान सा एक सूत्र है, और वो सूत्र के आपके पास एन माइनस टू इंटू में बनी थी। बस ये याद रखो, आप किसी भी बहुभुज का अंदर के कोणों का योग बता सकते हो इस सूत्र से। बात आती है कि ये एन क्या है। यहाँ पर एन का मतलब है जितनी भुजाएं हैं। जैसे अगर आप त्रिभुज उठा लो तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, तो इसका मतलब 3 माइनस 2 इंटू में 180 हो जाएगा। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इंटू में 180 कितना हो जाएगा, 180। तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, 4, तो 4 माइनस 2 इंटू में 180 करोगे, तो इसका मतलब 4 में से 2 जाएगा 2, 2 इंटू में 180 करोगे तो 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, ठीक है। ऐसी इसकी पांच भुजाएं, तो 5 माइनस 2 इंटू में 180 करोगे तो 5 माइनस 2 मतलब 3 आ जाएगा, 3 इंटू में 180 कर दो तो आपका 540 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको बोले ना कि अंदर के कोणों का योग बताओ, तो आपको यही करना है, ये सूत्र लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अब बाहर के कोणों का योग कैसे निकालें। देखो, कोई सा भी बहुभुज हो, बाहर के कोणों का योग हमेशा 360 होता है, हमेशा। जैसे कि आप बाहर के कोण, ये देखो त्रिभुज के बाहर एक ये कोण है, त्रिभुज के बाहर एक ये कोण है, त्रिभुज के बाहर एक ये कोण है, तो इन तीनों कोणों का योग 360 होगा। उसी तरीके से एक भार का कोण ये है, यहाँ पर एक भार का कोण ये है, एक ये, एक ये, इसका भी 360 होगा। पांच भुजा वाला देख लो, 1 2 3 4 5, पांच कोण है भार, तब भी इनका योग 360 ही होगा। कोई सा भी बहुभुज हो, उनके भार के कोणों का योग हमेशा 360 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको एक निकालना सिखा रखा है, वो कैसे, आपसे ये आपको क्या सिखा रखा है कि जो अंदर के कोण है और जो बाहर के कोण है ना, उन दोनों का योग निकाल लो। और वो कैसे निकालते हैं हम, n इंटू में 180। n आपको पता चल गया है कि जितनी भुजाएं हैं, तो जो आपका यहाँ पर ये गुना करके आएगा, हल करके, ये दोनों का योग आएगा, अंदर वाले कोणों का भी और बाहर वाले कोणों का भी, ठीक है। फिर अंदर वाले कोण तो भी आपने ऊपर भी निकालने सीखे हैं कि उनके कोणों का योग कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180 करके सीखा है ना, तो वो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। अब आप इन दोनों में से अगर ये अंदर वाले कोण का योग घटा दोगे तो बाहर वाले कोण का योग ही तो बचेगा, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, और हर केस में देख लो 360 ही आएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमें यहाँ दे रखा है, ये रहा, नीचे दिए गए बहुभुज के बाहरी कोणों का योग ज्ञात कीजिए, जो इसके बाहर कोण बन रहे हैं, ये इनका योग आपको बताना है कि कितना होगा। तो देखो, पहले दोनों का मिला के करते हैं, तो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, तो दोनों का अगर निकाले कि बाहर के कोण और अंदर के कोणों का योग होगा, वो कितना होगा, n इंटू में 180, तो n कितना था मेरे पास, 6, तो मैंने 6 इंटू में 180 किया, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, अंदर वाले कोणों का योग अलग से निकाल लिया, उसका सूत्र था मेरे पास n माइनस 2 इंटू में 180, n की जगह तो 6 लिखूंगी क्योंकि 6 भुजाएं हैं, इंटू में 180 किया तो ये आ गया। अब अगर मैं इसमें से इस वाले को माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि बाहर के कोणों का योग कितना है। वैसे तो मुझे पता ही है 360 होता है हर बहुभुज के बाहर के कोणों का योग, पर निकाल के दिखाना है इसीलिए, तो बाहर के कोणों का योग देख लो 360 ही आया है, और आएगा भी 360 ही। अगर नहीं आ रहा तो आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं, नीचे दिए गए बहुभुज में एक्स का मान निकालिए, वाई आपको 55 दे रखा है, इसका मान निकालना है। देखो, इसका मान आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो बाहर के सारे कोणों का जो योग है उसको 360 होता है, तो ये वाला x निकल ही जाएगा इधर उधर ट्रांसपोज करके, या फिर आप इसे एक और तरीके से निकाल सकते हो, वो क्या, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये इसी के साथ x है,
ये तो मेरे रैखिक युग्म हो गए ना, एक ही रेखा पे बने हुए हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ फिर यहाँ पर कि जो मेरा 90 प्लस एक्स है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, और अगर मैं कारण देखूं तो मैं यहाँ पर रैखिक युग्म लिखूंगी, ठीक है ना। तो यहां से x कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 माइनस का 90, तो x आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 90 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पेपर गतिविधि द्वारा दिखाइए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, उसमें ये दिखाना है कि चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, चारों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 360 होता है। करना क्या है आपको, जो चतुर्भुज है ना, मान लो एक चतुर्भुज यहाँ बना लो, इसके ये चारों कोण काट दो, कट करने के बाद इन चारों कोणों को एक साथ लगा दो, एक साथ मिला दो, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये, तो पूरा एक गोला बन गया वृत्त। तो ये पूरा गोला बन गया, तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री का ही तो होगा ये, तो बस ये आ जाएगा 360। तो ये पेपर कटिंग वाली एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। बाकी के दो क्वेश्चन आपको हल करने थे, वो मैंने करा दिए, ठीक है। इसी के साथ ये वर्कशीट हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, वर्कशीट नंबर 23। वर्कशीट नंबर 24 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।